हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ लाइक दिस, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन इज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन इज सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वॉज कैश सेल्स। सेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए, टोटल सेल्स आपको दे दिया, टोटल इज 135 करोड़, उसमें बोला 60% कैश सेल्स आप। फिर बोला है परचेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 55 करोड़ एंड आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेस वॉज 80%। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस आर गिवन 18 करोड़ एंड सैलरी पेड इज गिवन 22 करोड़। द कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देन डिबेंचर होल्डर्स आर इश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ 15 करोड़ एंड रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड ऑफ 1.5 करोड़। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 11.7। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 12 करोड़ वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। 8 करोड़ वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। न्यू प्लांट परचेज एंड समथिंग इन्फॉर्मेशन गिवन एंड द लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग बैलेंसेज एज आर अंडर बैलेंस शीट बैलेंसेज आर एज अंडर लास्ट ईयर डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बैंक बैलेंस एंड करंट ईयर डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बैंक। जिसके ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखे तो आपके पास हमने क्वेश्चन में कहीं पे भी आपने देखा P&L का बैलेंस आपको प्रॉफिट नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो इन दैट सिचुएशन अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो वी हैव टू स्टार्ट विद डायरेक्ट मेथड ओनली। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश बैलेंस, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये बेसिक फॉर्मेट अपना होता है कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंस, टैक्स पेड एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनली। ओके, ये बेसिक अपना फॉर्मेट होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। इसके सिवाय इंपॉर्टेंट, जब हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट नहीं बनता, उसके अगर जितने भी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस होते हैं वो सारे के वो सबके अकाउंट बना के उसको हमें एक डायरेक्ट एक्टिविटी के अंदर, मीनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर उसको हम शो करते हैं, ठीक है। सो जितने भी वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स है उसकी हम वर्किंग नोट की जगह, मीनिंग वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल की जगह उसको हम अकाउंट थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स वगैरह इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ में इन्फॉर्मेशन पुट अप करते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट वॉज टोटल सेल्स, आपको बोला था 135 करोड़ का टोटल सेल्स है, जिसमें 60% कैश सेल्स था, जिसका मीनिंग बाकी का क्रेडिट सेल्स होगा। तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक अपने डायरेक्ट मेथड के अंदर दो टाइप के सेल्स हम शो करते हैं, कौन कौन से, एक होता है कैश सेल्स होता है, दूसरा होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स डायरेक्टली कैश एक्टिविटी शो करता है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड में शो कर सकते हैं, बट क्रेडिट सेल्स यहाँ पे हम नहीं लिखते, उसके अगर लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो टोटल वापस एक बार इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, फर्स्ट नंबर पॉइंट, टोटल 135 करोड़ का सेल्स था, जिसमें 60% कैश सेल्स था, तो 40% क्रेडिट सेल्स था। तो 135 का 60% आप करोगे तो आपका ये आंसर आएगा कलेक्ट कैश सेल्स अमाउंट इज 81 करोड़। एंड क्रेडिट सेल्स जो था उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे, उसके लिए हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट के अंदर सेल्स की एंट्री आएगी 135 करोड़ जो था इंटू 40%, 54 करोड़ का सेल्स आएगा, एंट्री विल बी डेटर्स टू सेल्स। तो हम यहाँ पे सेल्स को वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट बना के शो करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट था परचेस फॉर द न्यू परचेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 55 करोड़ एंड आउट ऑफ विच क्रेडिट वॉज 80%। टोटल 55 करोड़ का परचेस था, जिसमें 80% क्रेडिट परचेस था, तो इसका मीनिंग 20% कैश परचेस भी था। तो अमाउंट जो था वो अमाउंट यहाँ पे वापस एक बार देख ले, 55 करोड़ का टोटल है, 55 करोड़ का 20% तो कैश परचेस होगा, तो कैश परचेस जो है वो इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर देंगे। और जो क्रेडिट परचेस है उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, तो उसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट में शो करेंगे। परचेस की एंट्री 55 करोड़ का 80%, दैट इज 44 करोड़ परचेस की एंट्री होगी, परचेस टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस जो था वो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा, कैश परचेस जो था डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 18 करोड़ एंड सैलरी पेड 22 करोड़। टोटल 18 + 22 करे तो 40 करोड़ का टोटल पेमेंट हमने किया है एक्सपेंस का। तो 40 करोड़ का जो टोटल पेमेंट किया है तो सीधा हम पेमेंट फॉर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो में शो कर देंगे, पेमेंट फॉर एक्सपेंस 40 करोड़। यहाँ पे ऐसा लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि एक्सपेंसेस आर एक्चुअली पेड, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो अगेन इसका भी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता, जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते, ये भी एक वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ता अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता। बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वर्ड लिखा है पेड, यहाँ पे वर्ड लिखा है पेड, इसका मीनिंग होगा कि हमने जो एक्सपेंस है वो एक्चुअली पे कर दिए हैं, तो हम इसको डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस थर्ड एडजस्टमेंट। देन फोर्थ एडजस्टमेंट,
फोर्थ एडजस्टमेंट, कंपनी रिडीम डिबेंचर्स फॉर 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 22 करोड़ पे डिबेंचर रिडीम किया। डिबेंचर रिडीम करने के लिए 15 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू किए, 15 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू किए, तो इसका मीनिंग बाकी का जो 7 करोड़ का रिपेमेंट होगा वो कैश में होगा। तो 15 करोड़ जो इक्विटी शेयर के फॉर्म में रिडम्शन किया वो कैश फ्लो में नहीं आ सकता, बट 22 करोड़ का रिडम्शन है 20+10%, 22 करोड़ में से 15 करोड़ का रिडम्शन थ्रू इक्विटी शेयर था तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, बट बाकी का जो 7 करोड़ का पेमेंट जो किया था वो कैश में था तो वो फिनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे यहाँ पे, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर 7। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसी में कंटिन्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट 1.5 करोड़ पे किया था। अब डिबेंचर इंटरेस्ट जब हम पे करते तो इनडायरेक्ट मेथड में हम दो इफेक्ट करते हैं, एक प्रॉफिट में ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो शो करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है तो इसकी इफेक्ट एक ही जगह पे होगी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको आउटफ्लो शो करेंगे, 1.5 करोड़ डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 11.7 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एंड 11.7 करोड़ का डिविडेंड पे किया तो नॉर्मली अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता तो प्रॉफिट में ऐड करते हैं, बट यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर देंगे, डिविडेंड पेड 11.7 नेगेटिव साइन से आएगा, 11.7 नेगेटिव साइन से शो करेंगे, ठीक है, आउटफ्लो है इसलिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ सोल्ड फॉर रुपीज 2.4 करोड़। इन्वेस्टमेंट्स 12 करोड़ के जो थे 2.5 करोड़ के प्रॉफिट पे सेल किए, यानी टोटल सेल प्राइस कितना होगा 12 करोड़ की बुक वैल्यू और 2.4 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 14.4 करोड़ पे सेल किया होगा, तो सेल्स की एंट्री इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 14.4 करोड़। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज 8 करोड़ वॉज पेड फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको हम शो कर देंगे, यहाँ पे सीधा लिखा इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन की बात नहीं करें, इनकम टैक्स पेड वर्ड यूज़ किया है, तो हमें तो खाली पेमेंट डिफाइन करना होता है। नॉर्मली जब अपने पास इनकम टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम अकाउंट बना के इनकम टैक्स कितना पे किया फाइन करते हैं, यहाँ पे सीधा दे दिया तो इसका अकाउंट कोई बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 20 करोड़ वॉज परचेज इन अ पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट। नया प्लांट खरीदा 20 करोड़ का ओल्ड प्लांट के सामने, ओल्ड प्लांट की बुक वैल्यू बोला 12 करोड़ थी, बट सामने वाले ने वेंडर ने उसको 10 करोड़ पर कंसिडर किया, यानी आप ऐसा समझे 21 करोड़ का प्लांट खरीदा, सामने 10 करोड़ का प्लांट एक्सचेंज किया, यानी ऊपर का जो डिफरेंस है 11 करोड़ का वो कैश में पे करना पड़ेगा। तो 11 करोड़ का पेमेंट जब कैश में करेंगे तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा हमने पे किया 11 करोड़ उसको नेगेटिव साइन से यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद डेटर्स का पॉइंट नंबर 9, डेटर्स का ओपनिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग और बैंक का ओपनिंग आपके पास है, तो बैंक का सबसे पहले मैं ओपनिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक का ओपनिंग है, मेरे पास क्लोजिंग कैश ये जो बैलेंस है ये अवेलेबल नहीं है, मुझे डिफरेंस के फॉर्म में फाइंड करना है। इसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, तो डेटर्स का ओपनिंग 45, क्लोजिंग आएगा 50, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट साइड 21 एंड 23, ठीक है। डेटर्स को क्लोज करें सबसे पहले, तो डेटर्स का क्लोजिंग आपको मिलेगा 49 का डिफरेंस आएगा डेटर्स, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और क्रेडिटर्स को क्लोज करें तो डिफरेंस आएगा 42, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो डिफरेंस आया था 49 एंड 42, इसको यहाँ पे हम कैश फ्लो में शो कर देंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 49 एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स दैट इज 42। ओके, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। अकाउंट्स के अंदर दो ही अकाउंट हमने बनाए थे, डेटर्स एंड क्रेडिटर, और कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये अकाउंट सारे खत्म हो गए, बाकी का देख ले, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर 29 टोटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो 3.4, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो 20.2 एंड प्लस ओपनिंग बैलेंस करोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस 18.2 है जो आपका फाइनल आंसर है, बट ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया, नॉर्मली आंसर क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, ये आंसर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो हमने फाइंड किया दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर, दिस 24 नंबर। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर जेन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर ESC फॉर द करंट ईयर 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जेन की कैपिटल है, ट्रेड पेबल्स मीनिंग क्रेडिटर्स है, मिसेस जेन की लोन है, लोन फ्रॉम बैंक है, लैंड प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री डेटर्स एंड कैश बैलेंस आर गिवन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बोला है, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमेटेड एप्रिसिएशन 24,000, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वॉज ओपनिंग बैलेंस 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,60,000। ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब आपके पास क्वेश्चन में देखें तो बैलेंस शीट है और P&L का प्रॉफिट आपको लास्ट में दे दिया है, यहाँ पे आप देखें लास्ट में, तो यहाँ पे आपको P&L का प्रॉफिट दे दिया 3,60,000, तो ये क्वेश्चन आप इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं,
इनडायरेक्ट मेथड से ही कर सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि आपके पास डेटा एंड वगैरह सेल्स एंड परचेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। तो इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करें, तो इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो नॉर्मली आप करते हैं फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद नेसेसरी अकाउंट साथ में प्रिपेयर करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज यूजुअल जो आपने एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द एडजस्टमेंट सबसे पहले द मशीनरी कॉस्टिंग, फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे पड़े तो मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोविजन वॉज 24,000, सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000। यहाँ पे 80,000 का मशीन कॉस्ट प्राइस है, 24,000 उसका डेप्री ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, तो 56,000 इसकी बुक वैल्यू हुई। 56,000 का जो मशीन था उसको 40,000 में सेल कर दिया, तो इसके लिए मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऊपर बैलेंस शीट में यहाँ पे देखें मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग, मशीनरी का ओपनिंग है, मशीनरी का ओपनिंग है 640 और क्लोजिंग बैलेंस है 440। तो इसका सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं साथ में, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 6,40,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,40,000। फिर बोला है कि 56,000 का मशीन 40,000 में सेल किया, तो 40,000 में सेल किया उसकी एंट्री आएगी बैंक टू मशीन, और 16,000 का लॉस हुआ, 56,000 का मशीन था, 80,000 इसकी बुक टोटल कॉस्ट थी, 24,000 का डेप्री था, तो 80-24 करें तो 56 इसकी बुक वैल्यू आई, 56 को 40 में बेचेंगे तो 16 का लॉस होगा, तो 40 में जो सेल किया उसकी पहली एंट्री पास करेंगे बैंक टू मशीन, तो बैंक टू मशीन ये जो एंट्री पास की उसकी एंट्री होगी बैंक टू मशीन, ये 40,000 रुपये पास करेंगे। उसके बाद लॉस जो हुआ था उसकी एंट्री पीएनएल टू मशीनों का 16,000। अब ये दो चीज़ का पहले अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्टिंग करते हैं, सेल की जो एंट्री वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी और जो प्रॉफिट लॉस है वो प्रॉफिट में एडबैक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो सेल ऑफ प्लांट यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ रुपीज़ 40,000, और 16,000 का जो एडिशन था प्रॉफिट के अंदर जो करना था वो यहाँ पे इसको शो कर देंगे प्रॉफिट के अंदर, लॉस ऑन प्लांट 16,000। आगे एडजस्टमेंट कंटिन्यू, आगे बोला है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 2,00,000 है और क्लोजिंग है 320। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपको दिया है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, वो आपको एडजस्टमेंट में दिया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्लांट एंड मशीनरी आप बैलेंस शीट के अंदर देख रहे हो ये बुक वैल्यू पे है, ये कॉस्ट पे नहीं है। ये प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस शीट के अंदर है वो कॉस्ट पे बुक वैल्यू पे है, कॉस्ट पे नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस तो आपको दिया है बट उसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो किया है। इट इज़ आउटसाइड द बैलेंस शीट गिवन इन एडजस्टमेंट, इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन यू कैन से। तो बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी वो तो बुक वैल्यू पे ही है, बट ये जो आपको डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको दिया है वो क्यों दिया होगा, टू फाइंड आउट द करंट ईयर डेप्री, क्योंकि आपको पीएनएल नहीं दिया है तो डेप्री प्रोवाइड तो किया होगा, तो डेप्री फाइंड कहाँ से करेंगे, तो आफ्टर दी बाय यूजिंग द एडजस्टमेंट्स ओनली। तो डेप्री का ओपनिंग 2,00,000 और क्लोजिंग है 320, तो इसका हम प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में 2,00,000 का ओपनिंग है, क्लोजिंग है 3,20,000। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये जो मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं ये बुक वैल्यू पे ही बना रहे हैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप समझो एक वर्किंग नोट का पार्ट है, बराबर, जिसको हम यूज करें टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन। सो मेरे पास ओपनिंग 2,00,000 है, क्लोजिंग है 3,20,000। अब क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट बोला है कि 80,000 का मशीन जिसका डेप्री ऑलरेडी 24,000 प्रोवाइड हो चुका है उसको हमने सेल किया, यानी ये जो 2,00,000 रुपये आप जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे देख रहे हैं ये 2,00,000 के अंदर 24,000 का डेप्री कौन सा है, जो मशीन बेच दिया उसका। अब मशीन बेच दिया तो 2,00,000 में से ये 2,00,000 जो आपको ओपनिंग बैलेंस आपको जो दिख रहा है ये 2,00,000 के बैलेंस में से 24,000 डेप्री जो मशीन सेल कर दिया उसका रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो उसका जो डेप्री था 2,00,000 के अंदर जो इंक्लूड था उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट करके वो आपको याद होगा असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको 24,000 को असेट या डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन शॉर्ट ये 2,00,000 में से 24,000 कम कर दिया क्योंकि मशीन सेल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और जो ट्रांसफर किया वो है, तो इसमें करंट ईयर का जो डेप्री है 144,000 ये मिल जाएगा। ये 144,000 जो करंट ईयर का डेप्री है वो प्रॉफिट में हम एडबैक कर देंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिया है उसके अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री 144,000 जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट में से फाइंड किया उसको हमने एडबैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद दैट्स इट फॉर दिस एडजस्टमेंट। इसके बाद आप प्लांट अकाउंट के अंदर और कोई एडजस्टमेंट या प्लांट अकाउंट को क्लोज करना हो तो कर सकते हैं। ये प्लांट एंड प्रोविजन फॉर डेप्री तो हमने वहीं पर क्लोज कर दिया, ठीक है, और दूसरा अकाउंट ये प्लांट एंड मशीनरी का आप देख ले तो डिफरेंस, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमने ये जो प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है वो बुक वैल्यू पे बनाया था, तो जो डेप्रिसिएशन हमने फाइन किया ना, ये डेप्रिसिएशन जो अमाउंट हमने फाइन की थी ये 1,44,000, ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हमने फाइन की थी ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी हमें शो करना पड़ेगा प्लांट अकाउंट के अंदर। तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप देखोगे तो प्लांट अकाउंट 640 टैली हो जाएगा और प्लांट अकाउंट के अंदर और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वी कैन से दैट यहाँ पे प्लांट अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं, इसके बाद एडजस्टमेंट में और कुछ है नहीं, एक एक करके बैलेंस शीट की एडजस्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं।
बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख 24,000 हो गई। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं है, यहाँ पे लिखा है मिस्टर जेंस बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोपराइटरशिप का बिजनेस है एंड इसका आपको कैश फ्लो बनाना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोपराइटरशिप बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, मीनिंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में से, उसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं लिखते बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें आप देखो तो कहीं पे पीएनएल या रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉफिट कहाँ पे इंक्लूड हो गया होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग आप देख ले, ओपनिंग है 10 लाख और क्लोजिंग है 12 लाख 24,000। तो अगर मैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 12,24। फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट में आपको दिया 3,60,000, ये 3,60,000 जो प्रॉफिट आपको दिया है उसकी एंट्री कर देंगे पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट पीएनएल में से कैपिटल अकाउंट में जाता है। उसके बाद जब आप कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 1,36,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1,36,000 का हमने कैश का हमने कैपिटल का पेमेंट किया है, यानी विड्रॉल ऑफ कैश हुआ। एंड कैपिटल अगर विड्रॉल होती है तो इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको कैपिटल सॉरी इंट्रोड्यूस की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल लिखेंगे 1,36,000। ठीक है, माइनस साइन से आएगा क्योंकि डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा था। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट तो सारे हो गए थे। प्रॉफिट जो दिया था आपको 3,60,000, वो अपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 3,60,000 प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंस शीट में आगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 320 एंड 352 जो ट्रेड पेबल्स अपने वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर यहाँ पे 320 एंड 352 वर्किंग कैपिटल के अंदर शो करेंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये इनफ्लो हुआ। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया क्रेडिटर्स का वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स के बाद थर्ड नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे हम पहुँचे थर्ड नंबर का पॉइंट, मिसेस जेंस लोन। लोन 2 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस था और अभी क्लोजिंग जीरो हो गया, इसका मीनिंग 2 लाख का लोन का रिपेमेंट किया होगा। लोन का रिपेमेंट किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसको हम शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 2 लाख आउटफ्लो शो करेंगे। ओके, इसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 3,20,000 था और 4 लाख हो गया, तो इसका मीनिंग 80,000 का लोन हमने लिया होगा। 80,000 का जो लोन हमने लिया है तो लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो शो करेंगे, लोन लिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो आएगा। इसके बाद लैंड, तो नीचे असेट्स है, लैंड का बैलेंस 6,80,000, तो लैंड को 2,80,000 को परचेस किया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। लैंड परचेस 2,80,000, लैंड पे डेब्री होता नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं परचेस ऑफ लैंड 280 नेगेटिव। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, वो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया। इसके बाद इन्वेंट्री और डेटर्स है, तो इन्वेंट्री और डेटर्स कहाँ शो करेंगे, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर डेटर्स और इन्वेंट्री को शो कर दिया। डेटर्स इंक्रीज हो रहे 240 से 4 लाख, सो 160 आउटफ्लो शो करेंगे डेटर्स का, आउटफ्लो डेटर्स बढ़ रहे तो आउटफ्लो। और इन्वेंट्री के अंदर 280 से 2 लाख हो रहा है, तो इन्वेंट्री भी इन्वेंट्री कम हो रही है तो इनफ्लो होगा 80,000 का। और नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल 48,000 हो रहा है। ये 48,000 जो वर्किंग कैपिटल चेंज आया था उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर देंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल 48,000 नेगेटिव। एंड द लास्ट पॉइंट कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000 एंड 56,000, तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग 80,000 क्लोजिंग 56,000, ओपनिंग क्लोजिंग कैश आपको दे दिया। डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, वर्किंग डन, अकाउंट सारे क्लोज हो गए, वर्किंग कैपिटल क्लोज कर दिया। टोटल करें तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 160 प्रॉफिट के अंदर, माइनस में कुछ नहीं था। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल 520 माइनस वर्किंग कैपिटल 48,000, नेट इज 472, और कोई पॉइंट नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 472, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में आंसर आ रहा है 2,40,000 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में आंसर आ रहा है 2,56,000। ये तीनों को प्लस माइनस करें और ओपनिंग को ऐड करें तो अपना ये क्लोजिंग बैलेंस है 56,000, ये मैच हो जाएगा। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन एक बार रीड कर ले। क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल से रिजर्व्स है, पीएनएल अकाउंट बैलेंस है, डिबेंचर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, क्रेडिटर्स, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट्स आर गिवन, डेप्रिसिएशन 25% चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट टू ड्यूरिंग द ईयर 1 ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 20,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000, 50,000 पेड टूवर्ड्स द इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज सब्जेक्ट टू
any was not subject to any depreciation and you are required to prepare a cash flow statement. Okay, so this is the question. आपको cash flow statement prepare करना है. अब question में आपको देखो method कौन से apply करेंगे, कुछ लिखा नहीं है तो indirect method करेंगे. Reason, अब balance sheet के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको P&L का जो balance है, बैलेंस शीट के अंदर आपको P&L का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी आपको दे दिया है. P&L का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है. तो P&L का बैलेंस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आपके पास अगर P&L का बैलेंस अवेलेबल है तो इनडायरेक्ट मेथड हम कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड करने के लिए अपने को डेटर्स, सेल्स, परचेस, एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन यानी P&L की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. तो पूरा P&L लगभग अवेलेबल हो तब नॉर्मली हम डायरेक्ट मेथड या पूरा कैश अकाउंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड करनी पड़ेगी. तो इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मेट एज यूजुअल सबसे पहले प्रिपेयर कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले हम वी ऑलवेज स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन 25% टू बी चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी. तो यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी 700,000 है. यहाँ पे आप मशीनरी का बैलेंस यहाँ पे आप देखें तो 700,000 रुपये का मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 500,000 रुपये ओपनिंग है और 700,000 रुपये क्लोजिंग है. पहले करंट ईयर की फिगर्स है और उसके बाद लास्ट ईयर की. तो ओपनिंग 5 लाख और क्लोजिंग है 7 लाख. इसके ऊपर 25% डेप्रिट प्रोवाइड करना है. और इसके सिवाय भी और नीचे पॉइंट नंबर 2 में भी दिखा है कि मशीन सेल किया था. अब मशीन में 2 एडजस्टमेंट्स है तो पहला काम ये करेंगे कि मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे. तो स्टार्ट करते एक एक अकाउंट बनाने से. सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस आपके पास पहले अवेलेबल है, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है एंड क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है 7 लाख्स. फिर डेप्रिसिएशन के लिए आपको बोला है 25% डेप्रिट प्रोवाइड करना है ऑन द ओपनिंग बैलेंस. तो 5 लाख्स का 25% करेंगे तो इट कम्स टू 1,25,000 डेप्रिट प्रोवाइड होगा. ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया. अब अगर डेप्रिसिएशन मैंने प्रोवाइड किया तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में एडबैक करेंगे बिकॉज ये नॉन कैश एक्टिविटी हुआ. तो प्रॉफिट के अंदर इसको एडबैक करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. प्रॉफिट जब आएगा तब लिखेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उसको सबसे पहले लिखते जाए. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट डिप्रिसिएशन 25% हो गया ओपनिंग बैलेंस के ऊपर. उसके बाद बोला है पॉइंट नंबर 2 में ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन 50,000 बुक वैल्यू 20,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000. यानी 20,000 का मशीन 35,000 पे सेल किया. तो इसकी 2 इफेक्ट आएगी, एक सेल्स की एंट्री आएगी और एक प्रॉफिट लॉस की एंट्री आएगी. तो पहले जो मशीन सेल किया था उसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट टू मशीन अकाउंट 35,000 और 20,000 का मशीन 35,000 पे सेल किया तो 15,000 का प्रॉफिट भी होगा. तो प्रॉफिट की एंट्री भी पास करेंगे 15,000 की. 2 एंट्री होगी, सेल्स की एंट्री बैंक टू मशीन और प्रॉफिट की एंट्री होगी मशीन टू P&L. ये दोनों को पोस्टिंग करें अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो जो सेल किया था मशीन उसकी एंट्री आएगी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो शो करेगा तो इसको यहाँ पे सबसे पहले शो कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो 35,000. उसके बाद 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ था वो 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पे शो करेंगे. प्रॉफिट ऑन मशीनरी 15,000 प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से P&L में क्रेडिट किया होगा सो माइनस करेंगे 15,000. ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 3, 50,000 वॉज पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर. 50,000 का इनकम टैक्स हमने करंट ईयर में पे किया था. तो इनकम टैक्स जो पे किया था तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे होगा. यहाँ पे देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट है 1,70,000, मीनिंग ओपनिंग 70,000 एंड क्लोजिंग 1 लाख. तो सबसे पहले टैक्स प्रोविजन का अकाउंट बनाते. तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते 70,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1 लाख. ओपनिंग और क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दिया. उसके बाद करंट ईयर का जो टैक्स पे किया है या प्रोविजन है वो आपको एडजस्टमेंट में बोला. एक बार वापस एडजस्टमेंट पढ़ ले. एडजस्टमेंट में बोला था पॉइंट नंबर 3, 50,000 वॉज पेड टूवर्ड्स दी इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर. करंट ईयर में 50,000 का टैक्स पे किया था. प्रोविजन की बात नहीं करें, टैक्स पेमेंट की बात करें. तो टैक्स पेमेंट जब प्रोविजन टैक्स पे होगा तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर उसका जो टैक्स जो पे होगा वो टैक्स की पेमेंट की एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट. यहाँ पर डेबिट से रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक अकाउंट. और एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे जरा प्रिंटिंग में लिखने में मिस्टेक की है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट समझिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. तो 50,000 जो टैक्स पे किया था उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स थ्रू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़. और उसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे तो 80,000 जो है वो इंडिकेट करेगा करंट ईयर का प्रोविजन. करंट ईयर का टैक्स का जो प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा वो 80,000 वो शो करेगा. तो यहाँ पे जो 50,000 है वो करंट ईयर का टैक्स पेमेंट है और 80,000 जो है वो करंट ईयर का प्रोविजन है. इसकी 2 इफेक्ट होगी. करंट ईयर का जो प्रोविजन 80,000 हमने फाइंड किया था वो P&L में डेबिट हुआ होगा तो प्रॉफिट में इसको एडबैक कर देंगे बिकॉज ये नॉन कैश एक्टिविटी हुआ. और 50,000 का जो टैक्स पे किया था तो उसका अलग से टैक्स पेड का अलग ही उसका हेड है, उसके अंदर इसको 50,000 को शो करेंगे.
आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर फोर, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करना, अंडर कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर डेप्री प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, तो उसके कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट रीड करना स्टार्ट करें, एडजस्टमेंट्स हो गए, बैलेंस शीट एक एक करके पॉइंट रीड करते हैं और उसके बाद उसका कैश फ्लो में अगर पोस्टिंग होता है तो करेंगे। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बैलेंस इज गिवन ओपनिंग 8 लैक्स एंड क्लोजिंग इज 10 लैक्स। तो शेयर कैपिटल के अंदर 2 लैक्स का इंक्रीमेंट है, मीनिंग शेयर कैपिटल इशू की होगी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो शो करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज 2 लैक्स। आफ्टर दैट बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स का बैलेंस है 150 एंड 2 लैक्स, लास्ट ईयर का 150, करंट ईयर का 2 लैक्स, इसका मीनिंग 50,000 का प्रॉफिट करंट ईयर में रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा। प्रॉफिट को जब रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो एंट्री की होगी पीएनएल अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट। तो पीएनएल अगर आपने डेबिट किया होगा तो पीएनएल अगर डेबिट किया तो नॉन कैश एक्टिविटी हो गया, नॉन ऑपरेटिंग भी हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व ये प्रॉफिट में वापस एडबैक करना पड़ेगा क्योंकि पीएनएल में डेबिट किया होगा। इसके बाद आगे रिजर्व हो गया, पीएनएल बैलेंस लास्ट ईयर का पीएनएल 60,000 है और करंट ईयर का पीएनएल है 1 लाख, तो 40,000 का करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ। ये 40,000 करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर देंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट स्टार्टिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद पीएनएल के बाद है डिबेंचर, डिबेंचर पहले 0 था और इस साल 2 लाख है, इसका मीनिंग डिबेंचर इश्यू किए होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको इन्फ्लो में शो करेंगे 2 लाख रुपीज़ इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे शो कर दिया 2 लाख रुपीज़ इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हमने बना दिया अभी, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट एक बार वापस देख ले तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने बना दिया था और ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसके अंदर से हमने जब टैक्स प्रोविजन अकाउंट हमने क्लोज किया, ये क्लोज हो गया, जब हमने इसको क्लोज किया तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें ये मिली थी करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है, ठीक है। सो टैक्स प्रोविजन अकाउंट ऑलरेडी हमने क्लोज कर दिया है। आगे बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल, डिविडेंड लास्ट ईयर का 1 लाख है और करंट ईयर का 2 लैक्स है, तो इसको हम क्या मानेंगे, लास्ट ईयर का पे किया होगा, करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट किया होगा। तो करंट ईयर का जो प्रोविजन क्रिएट किया वो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, तो इसको प्रॉफिट में वापस एडबैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी है प्रोविजन। तो और 1 लाख रुपये का जो डिविडेंड पे हुआ होगा करंट ईयर का, लास्ट ईयर का जो पे हुआ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे आउटफ्लो माइनस साइन से। सो 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड पे लास्ट ईयर का वो आउटफ्लो में शो कर देंगे। आफ्टर दैट डिविडेंड पेबल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 8,20,000 एंड 7 लैक्स, क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल के अंदर इसको शो करेंगे। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्रेडिटर्स का बैलेंस 8,20,000 एंड 7 लैक्स, डिफरेंस इसका आया 1,20,000 का डिफरेंस आया। दिस 1,20,000 डिफरेंस शोज क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्रेडिटर्स का पेमेंट क्या होगा, इसका मीनिंग है आउटफ्लो शो करेगा 1,20,000 से, ठीक है। एक ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट वन आगे बैलेंस शीट के अंदर आफ्टर क्रेडिटर्स देर इज ऑन द असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन का अपने अकाउंट बनाया था तो उसका अकाउंट क्लोज हुआ कि नहीं चेक कर ले। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड सारी एंट्री आ गई, डेबिट साइड 2 एंट्री आ गई, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो इसके अंदर ये डिफरेंस शो करेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर ये डिफरेंस शो करेगा 3,45,000। ऑन द डेबिट साइड ये डिफरेंस जो शो करता है इट शोज दी प्लांट एंड मशीनरी परचेज, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,45,000। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले 4 लैक्स अभी 6 लैक्स है, तो इसको 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको आउटफ्लो शो कर देंगे, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 2 लाख रुपीज़। आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले 0 थे और अभी 1 लाख है, इसका मीनिंग इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको आउटफ्लो शो कर देंगे 1 लाख, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, आफ्टर दैट डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस पहले 7 लैक्स है अभी 5 लैक्स है, डेटर्स आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर्स आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसको वर्किंग कैपिटल के अंदर इसको शो करेंगे। वर्किंग कैपिटल के अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट देखें तो डेटर्स में ओपनिंग 7 लैक्स है एंड क्लोजिंग है 5 लैक्स, डिफरेंस आएगा 2 लैक्स का, डेटर्स डिक्रीज हो रहे, इसका मीनिंग डेटर्स के पास से कलेक्शन मिला होगा एंड डेटर्स से कलेक्शन मिला वो इन्फ्लो होगा, तो 2 लाख रुपीज़ इन्फ्लो शो करेगा यहाँ पे, इसको पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक है, स्टॉक का बैलेंस 2 लैक्स है 4 लैक्स हो गया, सो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है एंड स्टॉक जब इंक्रीज होता है तो इट शोज परचेज ऑफ स्टॉक, तो क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर इसको 2 लैक्स एंड 4 लैक ओपनिंग क्लोजिंग शो कर देंगे एंड स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इट्स आउटफ्लो 2 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन वाज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस पहले भी 2 लैक्स है अभी भी 2 लैक्स है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको दे दिया, कैश फ्लो में लास्ट में शो कर देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस 2 लैक्स एंड 2 लैक्स, ठीक है। दैट्स इट,
बैलेंस शीट हो गया, अभी एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल दिया नहीं है, अब कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ कि हो गया चेक कर लेते एक बार, प्लांट्स एंड मशीनरी डिफरेंस हमने फाइन किया था वो परचेस शो कर रहा था, अकाउंट क्लोज हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्लोज हो गया और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस फाइन करे तो इट कम्स टू -120,000 एंड वर्किंग कैपिटल का जो डिफरेंस आया था 120,000 नेगेटिव, उसको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट का जो पॉइंट था उसके अंदर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में शो कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टार्ट करें आगे का टोटल, तो नॉन कैश एक्टिविटी में एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 455,000, इसको प्लस साइन से शो करेंगे, फिर इनकम जो माइनस हो रही थी 15,000 थी, नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल आ रहा है 480,000, इसमें से वर्किंग कैपिटल चेंज माइनस करें तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स 360 माइनस 50,000 का टैक्स पे करें, टैक्स माइनस करें तो 310,000 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो करेगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है -6,10,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है 3 लाख रुपीज़ पॉजिटिव, और सबको ये तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करके उसमें ओपनिंग कैश ऐड करें तो इट कम्स टू क्लोजिंग कैश बैलेंस दैट इज़ 2 लाख। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। स्टार्टिंग विद द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क सेक्शन। क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द इनडायरेक्ट मैथड। क्वेश्चन में बोल दिया इनडायरेक्ट मैथड एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2004। आपको दो साल की इन्फॉर्मेशन दी है 2003 एंड 2004, जिसके अंदर आपके पास लाइब्रिटीज़ में कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, डिबेंचर्स है, करंट लाइब्रिटीज़ में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, लाइब्रिटी फॉर एक्सपेंसिस, डिविडेंड पेबल्स आर गिवन, एंड ऑन द एसेट साइड प्लांट्स एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, एंड ऑन द असेट साइड अदर करंट असेट्स में डेटर्स लेस प्रोविजन, कैश बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसिस आर गिवन, एंड ऑन दैट बेसिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2004 आफ्टर चार्जिंग डेप्री ऑफ 1,80,000 इज 22,40,000। करंट ईयर में देखो क्वेश्चन में आपको पीएनएल नहीं दिया, बट पीएनएल का प्रॉफिट नीचे आपको एडजस्टमेंट में दे दिया, 1,80,000 इज प्रॉफिट एंड सॉरी 22,40,000 इज प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन आपको दे दिया 1,80,000। डेटर्स ऑफ ₹2,30,000 डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वेर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द ईयर एंडेड करंट ईयर एंड एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12 लाख फॉर द ईयर 2003-04। दिस आर द एडजस्टमेंट्स गिवन इनडायरेक्ट मेथड से आपको ये क्वेश्चन करने का है, ठीक है। स्टार्ट करें कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले फॉर्मेट हम ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मली जैसे अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट विल स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फिर नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। और कैलकुलेशन स्टार्ट करें सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट वन में बोला है कि करंट ईयर का डेप्री 1,80,000 है और 22,40,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है आफ्टर डेप्री, तो प्रॉफिट यानी अपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग 22 लाख, क्वेश्चन में आपको जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट दिए नेट प्रॉफिट दैट इज 22,40,000, बट ये जो प्रॉफिट है ना वो पीएनएल का प्रॉफिट है। अभी तक जितने भी सम्स हमने किए थे वो सारे क्वेश्चन के अंदर जो भी हम प्रॉफिट लेते हैं ना वो प्रॉफिट हम यहाँ से नहीं लेते, हम जो प्रॉफिट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, तो बैलेंस शीट वाला, क्योंकि पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है बिफोर अप्रोप्रिएशन भी होता है। सो हो सकता है ये जो प्रॉफिट है 22,40,000, जैसे एक बार मैच कर लेना पड़ेगा, ये 22,40,000 जो प्रॉफिट आपको दिया है ये ज़रूरी नहीं कि दिस इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन, खाली नेट प्रॉफिट आपको बोला है, सो मे बी ये बिफोर अप्रोप्रिएशन हो सकता है। हमें कौन सा प्रॉफिट यूज़ करना है तो दैट इज़ आफ्टर अप्रोप्रिएशन, तो उसके लिए हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसमें से हम प्रॉफिट फाइंड करने का ट्राई करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आप देखें तो रिटर्न अर्निंग्स दिया, पीएनएल बैलेंस ऐसा नहीं दिया है, बट रिटर्न अर्निंग्स का बैलेंस आपको दिया, रिटर्न अर्निंग मीनिंग रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। सो यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से आपको प्रॉफिट दे दिया है, जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस है आपका 26,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 36,90,000, दोनों का डिफरेंस आप करो तो 10,40,000 ही होता है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है कि 22,40,000 का प्रॉफिट था, बट रिटर्न अर्निंग्स के अंदर जो प्रॉफिट गया वो तो 10,40,000 ही है, इसका मीनिंग बाकी का जो 12 लाख है वो कहीं पे अप्रोप्रिएशन हुआ होगा। तो हम कौन सा प्रॉफिट यूज़ करेंगे, तो हम जो एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम जो बैलेंस शीट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम यूज़ करेंगे विच इज़ 10,40,000। तो वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 10,40,000 प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट और एज पर द बैलेंस शीट आफ्टर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मीनिंग देयर बाय। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर वन में कंटिन्यू, इसमें 1,80,000 का डेप्री ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है,
180 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, तो उसको प्रॉफिट में वापस एडबैक करना पड़ेगा। नॉन कैश एक्टिविटी 180,000 एडबैक करेंगे, ठीक है, और उसको कहीं पे और यूज़ करना है कि नहीं वो चेक करेंगे बाद में। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर टू आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर टू में बोला है कि डेटर्स 2,30,000 हमने करंट ईयर में राइट ऑफ किए थे बैड डेट प्रोविजंस के सामने। 2,30,000 के डेटर्स को हमने राइट ऑफ किया था। अब डेटर्स यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे ये रहे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स का बैलेंस है 20,23,90,000 एंड 28,30,000, और उसमें प्रोविजन जो अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के अंदर माइनस करके दी है और नेट डेटर्स दिया है। हम क्या करेंगे, डेटर्स का प्रोविजन और डेटर्स की फिगर को अलग अलग कंसिडर करते हैं। मैं खाली डेटर्स की फिगर यूज़ करता हूँ, 23,90,000 एंड 28,30,000। तो डेटर्स का जो बैलेंस है ना वो जाएगा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर। अब वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे हमने बनाया, तो उसके अंदर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 23,90,000। ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया है 23,90,000, बट इसमें बोला है कि 2,30,000 के डेटर्स को हमने करंट ईयर में राइट ऑफ किया था। तो अब डेटर्स को राइट ऑफ किया था तो ओपनिंग बैलेंस में से 230 राइट ऑफ हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 230 माइनस करने के बाद, तो बैलेंस बचेगा 21,60,000। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग डेटर्स को ना 21,60,000 कर दूंगा 230 माइनस करके, और क्लोजिंग डेटर्स जो एज पर द बैलेंस शीट है 28,30,000 वो लिख देंगे। तो अब डेटर्स यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है, और डेटर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं दैट इज आउटफ्लो 6,70,000। बीडीआर का क्या करेंगे तो देखते आगे, बट ये डेटर्स को क्या किया मैंने, 2,30,000 के डेटर्स जो माइनस किए थे राइट ऑफ किए थे उसको मैंने ओपनिंग से माइनस कर दिया, सो दैट डेटर्स कितने एक्चुअल रिसीवेबल है और कितना कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो होगा वो तभी पता चलेगा जब आप बैड डेट राइट ऑफ करोगे। तो डेटर्स को हमने कम कर दिया ओपनिंग को, और क्लोजिंग एज इट इज रख दिया। डिफरेंस आया दैट इज इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग वो आउटफ्लो है। तो 6,70,000 जो है वो डेटर्स का आउटफ्लो है। उसके बाद बीडीआर का जो प्रोविजन था वो आगे देखें, तो बीडीआर के प्रोविजन में बीडीआर के प्रोविजन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आप देखें तो बीडीआर में प्रोविजन में इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है यहाँ पे, बीडीआर का ओपनिंग है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,90,000। बीडीआर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आपको दे दिया है, तो बीडीआर का जो ओपनिंग क्लोजिंग आपको जो दे दिया है उसके ऊपर से बीडीआर का अकाउंट बनाते हैं, और जो बैड डेट राइट ऑफ किया था करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट किया था उसको हम फाइंड करेंगे। तो बीडीआर का ओपनिंग यहाँ पे देखें तो 1,50,000 का ओपनिंग है और 1,90,000 का इसका क्लोजिंग है, ठीक है। अब करंट ईयर में आपको बोला है कि 2,30,000 के डेटर्स को बीडीआर के सामने राइट ऑफ किया था, तो डेटर्स को जब राइट ऑफ किया होगा तो एंट्री ये हुई होगी बीडीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो बीडीआर में 2,30,000 के डेटर्स राइट ऑफ हुए हैं, और उसके बाद बीडीआर अकाउंट को जब आप क्लोज करें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2,70,000। ये बीडीआर को आप रिजर्व समझ लें, तो 2,70,000 का बीडीआर हमने क्रिएट किया करंट ईयर में, और करंट ईयर में जो बीडीआर क्रिएट हुआ है वो पीएनएल अकाउंट में से क्रिएट हुआ होगा, एंड पीएनएल में से जब बीडीआर क्रिएट होता है तो नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट हुआ। तो 2,70,000 का जो बीडीआर क्रिएट हुआ है वो प्रॉफिट में लाइक अ डेप्रिसिएशन इफेक्ट, जैसे डेप्री को हम नॉन कैश है तो उसको एडबैक करते हैं, सिमिलरली बीडीआर जब पीएनएल में डेबिट हुआ होगा तो उसको नॉन कैश एक्टिविटी को प्रॉफिट में एडबैक करना पड़ेगा। सो 2,70,000 को मैंने बीडीआर जो करंट ईयर का नया क्रिएट हुआ है उसको मैंने प्रॉफिट में एडबैक कर दिया, और 2,30,000 जो राइट ऑफ हुआ था वो बीडीआर अकाउंट में डेबिट भी हो गया। एक बार वापस बीडीआर अकाउंट आप देख ले, तो बीडीआर अकाउंट के अंदर चेंजेस क्या हुए थे, बीडीआर का ओपनिंग है अपने पास, क्लोजिंग है, जो बीडीआर राइट ऑफ किया था उसको हमने डेबिट किया, और जो डिफरेंस आया वो क्रिएट हुआ होगा, क्रिएट जो हुआ वो पीएनएल में प्रॉफिट में एडबैक करेंगे। और डेटर्स में इफेक्ट हमने क्या दी, तो डेटर्स की इफेक्ट भी एक बार देख ले, तो डेटर्स का ओपनिंग था 23,90,000, उसमें से ओपनिंग को राइट ऑफ कर दिया, तो उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बचा 21,60,000 क्लोजिंग एज पर द बैलेंस शीट, और जो डिफरेंस आया उसको हमने नेट चेंज कंसिडर किया, ठीक है। तो ये एक नया एक एडजस्टमेंट था जो और कोई क्वेश्चन के अंदर आगे कवर नहीं हुआ था, ऐसा एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पे किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में आगे, नेक्स्ट पॉइंट में एडजस्टमेंट में कंटिन्यू, डेटर्स सेकंड नंबर का जो एडजस्टमेंट है हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 12 लाख फॉर द ईयर 2003-04। डिविडेंड डिक्लेयर किया था मीनिंग प्रोविजन क्रिएट किया था। अभी आपने देखा था प्रॉफिट जो 22,30,40,000 जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, और बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था 10,40,000, एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में 12 लाख का गैप है, और 12 लाख का जो गैप है वो इस चीज़ का होगा, डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है मीनिंग प्रोविजन क्रिएट किया है, जो पीएनएल में प्रॉफिट में से प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे, बट बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट है वो प्रोविजन के बाद का है। तो मैंने जो प्रॉफिट यूज़ किया था यहाँ पे वो प्रोविजन के बाद का है, तो 12 लाख का डिविडेंड जो प्रोविजन किया था उसकी एक ही इफेक्ट होगी, क्योंकि हमने कैश में पे नहीं किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, खाली प्रॉफिट में एडबैक कर देंगे, कंसिडरिंग इज अ नॉन कैश एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो, 12 लाख रुपीज़ प्रॉफिट में एडबैक हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट्स तीनों हो गए. इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं, बैलेंस शीट रीड करते. बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से चालू करें तो इसमें कैपिटल का बैलेंस आप देखें तो कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, तो देर इज़ नो चेंज ऑफ कैपिटल. रिटर्न अर्निंग्स का जो डिफरेंस था, रिटर्न अर्निंग्स का डिफरेंस हमने पीएनएल का लाइक कैश फ्लो का स्टार्टिंग प्रॉफिट एज पर पीएनएल लिख दिया. उसके बाद डिबेंचर्स में देखें तो ओपनिंग जीरो था और क्लोजिंग डिबेंचर्स 9 लाख है. तो डिबेंचर्स पहले जीरो थे, अभी 9 लाख, इसका मीनिंग डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है. इसका मीनिंग डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है, इसको डिबेंचर को इश्यू किया होगा. तो डिबेंचर जब इशू किए होंगे तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउट इनफ्लो होगा. 9 लाख रुपीज़ वो डिबेंचर इनफ्लो शो कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर डिबेंचर दर इज अ बैंक लोन. बैंक लोन पहले 1,50,000 अभी था 3 लाख रुपीज़. तो बैंक लोन में 1,50,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है. बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इनफ्लो है. तो इसको 1,50,000 जो बैंक लोन हमने नया लिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसको इनफ्लो शो कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द बैंक लोन दर इज लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस. लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस अपने वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो 330 एंड 270 इसको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो कर देंगे. तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पे, तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में लायबिलिटी 2,30,000 एंड 270, डिफरेंस है 60,000. लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने पेमेंट किया होगा. तो 60,000 का इसका आउटफ्लो शो कर दिया, 60,000 कैश आउटफ्लो. नेक्स्ट पॉइंट इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस के बाद डिविडेंड पेबल. डिविडेंड पेबल लास्ट ईयर का और करंट ईयर का सेम एज जो अभी हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं. लास्ट ईयर का पे हुआ होगा, करंट ईयर का प्रोविजन क्रिएट किया होगा, ऐसा नॉर्मली होता है. बट इस क्वेश्चन में आपको नया पॉइंट ये जो दिया है यहाँ पे लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 3, यहाँ पे डिविडेंड के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट था. इसमें ऐसा बोला है कि करंट ईयर का प्रोविजन 12 लाख किया था. अब बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देखें ना, तो करंट ईयर का प्रोविजन 12 लाख अगर हो तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे 12 लाख आना चाहिए था. तो इसका मीनिंग यहाँ पे तो 3 लाख से दिख रहा है, 12 लाख की जगह 12 लाख का प्रोविजन किया था तो 12 लाख आना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंस शीट में 3 लाख दिख रहा है. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक्चुअली जो 12 लाख प्रोविजन किया उसमें से काफ़ी डिविडेंड पे कर दिया है. तो इसके लिए डिविडेंड का अकाउंट बना देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा डिविडेंड में हुआ क्या था. तो डिविडेंड का पेबल अकाउंट बना दिया, ओपनिंग बैलेंस है 150 और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख. करंट ईयर में 12 लाख का आपको एडजस्टमेंट बोला कि 12 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया था. तो प्रोविजन जो क्रिएट किया होगा उसकी एंट्री ये होगी पीएनएल टू डिविडेंड पेबल. तो फाइनली डिविडेंड अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका डिफरेंस आपको ये शो करेगा करंट ईयर का टोटल कितना डिविडेंड पे किया है. तो 10,50,000 का जो डिविडेंड पे किया है आपने, जो फाइन किया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे. बट प्रॉफिट में जो एडबैक होगा ना, वो यहाँ पे 12 लाख से होगा, क्योंकि प्रोविजन जो क्रिएट किया यहाँ पे हमने जो पॉइंट किया था कि प्रोविजन जो हुआ वो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा. तो प्रॉफिट में एडबैक करेंगे 12 लाख, बट डिविडेंड अकाउंट बना के पता चला कि डिविडेंड पे किया 1050, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कितना करेंगे 1050 ओनली. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डिविडेंड, आफ्टर द डिविडेंड पेबल नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द असेट साइड. असेट साइड प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन एंड वगैरह इफेक्ट है उसको देखने के लिए, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन करंट ईयर के आपको दे दी है, तो इसके ऊपर से मे बी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो आपको मिलेगी. तो प्लांट्स एंड मशीनरी अकाउंट बना देते हैं. प्लांट्स एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर ले क्या था. तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस था इसका 21,20,000 और क्लोजिंग था 32,80,000. तो प्लांट्स एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 21,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 32,80,000. मैंने इसको बुक वैल्यू पे बनाया, कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्री को अलग नहीं किया, सो दैट एक ही अकाउंट में अपना काम हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन की जो फिगर है ना, क्वेश्चन में आपको दे दी है. तो डेप्री की फिगर आपको यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट कर देनी है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है. फर्स्ट एडजस्ट मैंने बोला है 180 डेप्री है, तो डेप्री की एंट्री हो जाएगी डेप्री टू असेट 180. और इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि नई असेट परचेज कितनी हुई है. तो 13,40,000 की नई असेट परचेज हुई है. तो परचेज जो हुआ है असेट को, परचेज जो किया 13,40,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर देंगे. इसके बाद और कोई सेल किया ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो प्रॉफिट लॉस या कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में भी नहीं है. तो इसका मीनिंग खाली प्लांट्स एंड मशीनरी में एक ही चेंज था, दैट वाज परचेज, और परचेज की इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट. आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है दैट इज करंट असेट्स. उसमें डेटर्स का प्रोविजन था, एडजस्टमेंट में आ गया, उसकी वजह से हमने ऑलरेडी इसको कर दिया है. उसके बाद है कैश बैलेंस और उसके नीचे लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटी. ये मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है वो लिक्विड सिक्योरिटीज होती है, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे. तो इसके अंदर कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी ये दोनों को हम कैश फ्लो में लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश. तो ओपनिंग कैश के अंदर आएगा 1520 और 1180. तो इसको ओपनिंग कैश में यहाँ पे लास्ट में शो कर देंगे 1520 और 1120, दोनों का टोटल 27 लाख. और वैसे क्लोजिंग कैश का और मार्केटेबल सिक्योरिटी का टोटल 1820 प्लस 15 लाख, ये दोनों का टोटल जो आएगा इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में शो कर देंगे 33,20,000. ठीक है, आफ्टर दैट
कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट का पार्ट होगा। तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर इसको शो कर देंगे, स्टॉक की वैल्यू और फिर प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग इनफ्लो शो करेगा 90,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसका मीनिंग वो प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है मीनिंग प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे किया होगा, इसको आउटफ्लो शो कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने कर दी है। सो वर्किंग कैपिटल का नेट चेंज आएगा 7,30,000 नेगेटिव, ठीक है। और बाकी अकाउंट्स में देख ले तो डिविडेंड पेबल अकाउंट क्लोज ऑलरेडी हो चुका है, फिर बैड डेट प्रोविजन अकाउंट जो बनाया था वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया हमने। तो ये सारे अकाउंट क्लोज हो गए, वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आया उसको वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर शो कर देंगे, यहाँ पे 7,30,000 नेगेटिव शो कर देंगे। बाकी कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, बैलेंस शीट हमने देख लिया एक बार, पीएनएल है नहीं, तो इसको टोटल करना स्टार्ट करें। नॉन कैश एक्टिविटी एक्सपेंस का टोटल 1650, फिर सबको प्लस माइनस करें। टैक्स पेड क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है नहीं क्वेश्चन में। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो आएगा 1960, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो आ रहा है 13,40,000 आउटफ्लो शो कर रहा है, और इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो जीरो हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो जीरो हो रहा है। सो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग और ओपनिंग कैश का टोटल करें तो इट विल कम्स टू 33,20,000, क्लोजिंग अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पे मैच करेगा। सो दैट्स इट हियर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन 27। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.